हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैबिट की, जो अगर अच्छी हो तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है और बहुत ही बड़ा बना सकती है, और अगर ख़राब हो तो आप समझ ही सकते हैं कि उस इंसान का क्या होगा। तो आज हम देखेंगे अमीर लोगों की और लाइफ में सक्सेसफुल हुए लोगों की कुछ अच्छी आदतें। तो पहली आदत है इन्वेस्ट योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को दो, चाहे वो पैसे हो, अच्छा खाना हो, वर्कआउट हो, चाहे कुछ भी हो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, पहले खुद को देना सीखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई हो गई और उन्होंने डिग्री ले ली और वो कोई काम पे लग जाते हैं और नॉर्मल एक ही दिनचर्या अपनाते हैं, लेकिन वे लोग भूल गए हैं कि लाइफ में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो उन्हें लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। आप दुनिया के सबसे बड़े दो आदमी वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को तो जानते ही होंगे। वे लोग अभी भी अपनी हैबिट बुक पढ़ने को हमेशा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनकी हैबिट है और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप भी बुक पढ़े तो ये सबसे अच्छी हैबिटों में से एक है। क्या उन्हें बहुत कुछ नहीं पता? उन्हें बहुत कुछ पता है और वे बहुत आगे हैं हमसे, फिर भी वो लर्निंग को लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी लर्निंग पर फोकस करते हैं और कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते रहते हैं। सीखना एक कला है, सीखना भी एक कला है। आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, स्कूल टीचर से सीख सकते हैं, कॉलेज में सीख सकते हैं, किसी से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। और दूसरी हैबिट है दे कीप मूविंग नेवर स्टॉप। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो गिरते हैं, फेल होते हैं, वो फेलियर से डरते नहीं, वो फिर उठते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और उस पर फिर अपना 100% देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। एक गरीब इंसान के पास 1000 वजह होती हैं आगे ना बढ़ने की, रुकने की, बैठने की और आगे ना बढ़ने की, लेकिन एक अमीर आदमी के पास एक वजह होती है आगे बढ़ने की और वो उसी वजह से आगे बढ़ता जाता है, निरंतर कोशिश करते जाता है। और अगर आप कोशिश करते हैं, लगातार आप किसी एक चीज़ पर कोशिश करते हैं, तो आपको कामयाबी मिलना निश्चित है। बचपन में हम सभी ने पढ़ी थी, क्या पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, नदियों की धार हो, वीर तुम बढ़े चलो। बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जो तीसरी आदत है वो है बिग ड्रीम, लॉन्ग टर्म विज़न। एक अमीर आदमी या एक सक्सेसफुल पीपल हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, लॉन्ग टर्म विज़न देखता है, बहुत ही बड़े सपने देखता है, बहुत ही कुछ करने को देखता है। इसीलिए आपको भी अपना ड्रीम बहुत ही बड़ा रखना है। ऐसा ड्रीम रखो जिसको पाकर आपको बहुत ही खुशी मिले, और छोटे मोटे डिज़ायर तो उस ड्रीम के आगे कुछ हो ही ना। जैसे कि आपको वो ड्रीम मिले तो छोटे मोटे डिज़ायर यूं ही पूरे हो जाए। बोलने का मतलब ये है कि आप चांद पर निशाना लगाओ। अगर चांद पर निशाना नहीं लगा और आप चूक गए तो कम से कम सितारों पर या तारों पर निशाना लगेगा। उसी प्रकार जब हम बचपन में भी पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर या कलीग या फ्रेंड्स यही बोलते थे कि हमें 90% लाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर 90% नहीं आया तभी भी हम 80-85% तो ला ही सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म विज़न और बड़े सपने देखने चाहिए कि अगर वो ना पूरे हो फिर भी हम उनके पास पहुँचे और बहुत सी चीज़ों को हासिल करें। और बस खुश रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।